आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विंध्य क्षेत्र में दो दशक से चल रही रीवा मुंबई ट्रेन की मांग आज उस वक्त पूरी हो गई जब रीवा मुंबई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। तो लगातार रीवा तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें एक कड़ी अरे आगे डीआर साहब कह रहा है इनके माथे आ जा प्रयास तो अपना ही है। नहीं अधिकारी को जैसे महानगर के लिए रीवा से पहुंचना एक इस अवसर पर बतौर अतिथि सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ला, पंचूलाल प्रजापति, रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। सबको मालूम पड़ जाएगा कि रीवा से मुंबई ट्रेन शुरू हो गई। कौन से दिन चलना है? हर गुरुवार को चलेगी। कब तक? गुरुवार से चलेगी और तीन जून तक ये चलेगी। हर गुरुवार को 4 बजे और अगले दिन 12 बजे पहुंचा देंगे। तो इसका प्रचार प्रसार होगा। तो यहाँ पर तो टिकट में जैसे उधर से वेटिंग लिस्ट हो गई, इधर से भी हो जाया करेगी। अपने रेलवे को मजबूत होकर डेली चलाना पड़ेगा। सांसद जी बैठे हैं तो लगातार रीवा तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है और उसमें एक कड़ी ये भी जुड़ गई है। आप सबको मालूम होगा हवाई अड्डा भी मंजूर हो गया। इसके लिए भी जनार्दन जी को बहुत बहुत बधाई दिया जाए। हम आपको बता दें, रीवा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक समर स्टेशन ट्रेन की शुरुआत आज की गई है। पहले चरण में समर स्टेशन ट्रेन 10-10 फेरे लगाएगी। रीवा मुंबई ट्रेन गुरुवार की शाम यानी आज रीवा से रवाना होकर शुक्रवार की दोपहर मुंबई पहुंचेगी और फिर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 1 घंटे बाद रीवा के लिए प्रस्थान कर 20 घंटे बाद शनिवार को पुनः रीवा पहुंचेगी। जानकारी के अनुसार ट्रेन में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी को मिलाकर कुल 844 बर्थ होंगे। साथ ही 6 डिब्बे सामान्य श्रेणी के लगाए गए हैं जो 3 आगे और 3 पीछे की तरफ लगाए जाएंगे। रीवा समर स्टेशन ट्रेन रास्ते में दोनों तरफ सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाड़रवाला, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड़, नासिक रोड, कल्याण एवं दादर स्टेशन पर रुकेगी। रीवा से मुंबई ट्रेन कभी चल सकती है क्या? लेकिन जहाँ पर चाह होती है वहाँ पे रात को निकलना पड़ता। हम लोगों को बड़ी खुशी होती थी जब रेलवे मंत्री से हर 7 दिन में जनार्दन जी उनके दफ्तर में खड़े रहते थे लेके आवेदन कि अब ट्रेन तो चलाना पड़ेगा। उनको एक बड़ी सफलता मिली है। इस अवसर पर हमारे जिले के वरिष्ठ विधायक कादरी पंचूलाल प्रजापति जी उपस्थित है, वहाँ पर लंगर भी है और सभी गणमान्य नागरिकगण, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी और सभी उपस्थित बंधु। ये अभी तो जून के महीने तक चलेगी और आप लोगों के माध्यम से मेरा रीवा के लोगों से, सीधी के लोगों से आग्रह है, जिनके डिमांड पर, जनता की डिमांड पर ये रेल शुरू हुई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेन से यात्रा करें। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ये आधा जो इस रीवा का जो कोटा है वो आधा पूरा हुआ है और मुंबई से जो ट्रेन वापस आने वाली है उसमें वेटिंग लिस्ट है। तो इससे मुझे पूरा भरोसा है कि ये ट्रेन हमारी रेगुलर हो जाएगी और इसके लिए रीवा की जनता, जिनने हमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके लोकसभा में भाजपा को जिताया और हमारे सारे नेतागण, हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, पंचूलाल जी और जो भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों के संयुक्त प्रकाश से ये सब सफलताएँ रीवा को मिल रही हैं और रीवा आगे चल करके किसी भी कनेक्टिविटी के मामले में किसी भी बड़े से बड़े शहर के बराबरी पर पहुंचेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और भी कोई ट्रेनें आगे आ रही हैं? अभी तो एक अहमदाबाद से 6-7 तारीख को यहाँ फिर से एक नई ट्रेन शुरू होगी।